बालेश्वर के फूड टूर के पिछले एपिसोड में हमने एक्सप्लोर किया था नॉर्थ इंडियन स्टाइल खाना, जिसमें हमने टेस्ट किया था सैंडविच, रोल, पिज्जा, चूर चूरना और ये सारे स्ट्रीट फूड खाने के बाद दिल झूम उठा। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम टेस्ट करेंगे पूरे के पूरे देसी स्ट्रीट फूड, जिसमें आपको ओडिशा का प्यार और बालेश्वर की अनोखे पकवान का स्वाद महसूस होगा। और अगर आपने पहला वाला एपिसोड नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। लेकिन ये वीडियो खत्म होने के बाद, Hey guys, this is Prasad and you are watching All About India. Welcome to another exciting episode. In this episode of today, we are going to explore the beautiful breakfast and street foods of Baleshwar. So, चलिए चलते explore करते हैं बालेश्वर के fast food, street food and साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा बहुत कुछ। बालेश्वर में खाने के लिए तरह तरह के पकवान मिल जाएंगे, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा बालेश्वर के ब्रेकफास्ट से। मैंने देखा एक छोटा सा स्टॉल जो कि होटल झाड़ेश्वर इनके पास है, मैंने वहां पे ट्राई किया इडली। और एक खास बात यह है, लोग यहाँ पर मूढ़ी जो कि पफ राइस होता है वो खाना पसंद करते हैं। लंच टाइम पर राइस रोटी के साथ माछो के सरो, चूना माछो का, माछो घंटो और भी कई सारे सी फूड खाना पसंद करते हैं। लेकिन मैं ठहरा वेजिटेरियन और मैं सिर्फ और सिर्फ भेज थाली ही ट्राई करूंगा। बालेश्वर में आपको बहुत ही कम प्योर भेज होटल मिलेंगे, उनमें से एक है झाड़ेश्वरी। जैसे कि ये वीडियो स्ट्रीट फूड के अंदर आता है, सो मैं एक छोटे से होटल में भेज थाली ट्राई करने वाला हूँ। शाम होते होते मैं पहुंचा खिरचोड़ा गोपीनाथ मंदिर के पास, क्योंकि मुझे पता चला कि यहाँ पर वर्ल्ड बेस्ट खीर मिलता है। सो लेट्स ट्राई द प्रसाद। अगर आप बालेश्वर घूमने के लिए आते हो तो आप खिरचोड़ा गोपीनाथ मंदिर देखकर यहाँ का खीर टेस्ट करना तो बनता है। मंदिर के पास ही आपको कई सारे स्ट्रीट फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे, और अब मैं ट्राई करूंगा नो अनियन गार्लिक वाला दही बड़ा। जब दही बड़ा आलूदम रेसिपी का नाम सुनते हो तो आपको कटक याद आता होगा, क्योंकि दही बड़ा आलूदम मतलब कटक। भाई सबकी अपनी अपनी खासियत होती है, सो लेट्स ट्राई द बालेश्वर दही बड़ा। इंडिया का मोस्ट लव्ड फूड यानी कि पानी पूरी, जो कि उड़ीसा में गुपचुप भी कहा जाता है। ये गुपचुप स्टॉल भी खिरचोड़ा गोपीनाथ मंदिर के पास वाले पार्किंग एरिया के पास आपको मिल जाएगा। सो लेट्स ट्राई द गुपचुप ऑफ बालेश्वर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे कुछ बातचीत कर लूँ, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाने की सोची थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस बालेश्वर के स्ट्रीट फूड के सेकंड एपिसोड में ही आपके साथ बात कर लें। सो लास्ट ईयर 2019 दिसंबर को मैं गया था बालेश्वर, एंड वहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर किए एंड बहुत सारे फूड
टेस्ट किया मैंने बालेश्वर का। पहले से कुछ प्लानिंग वगैरह नहीं थी कि बालेश्वर के स्ट्रीट फूड के ऊपर मैं ब्लॉग या फिर डॉक्यूमेंट्री या फिर कुछ भी बनाने वाला हूँ स्पेशली बालेश्वर के फूड के ऊपर। बस मेरे मेमोरी के लिए मैं पिक्चर क्लिक करता गया, साथ ही साथ कुछ वीडियोस देता गया। एंड आज आपके सामने बालेश्वर के स्ट्रीट फूड एपिसोड 1 और 2 रेडी है एंड बहुत ही जल्द बालेश्वर के पार्ट 3 भी आने वाला है। सो पहला एपिसोड डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देखें। एंड बहुत ही जल्द इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है। साथ ही साथ बालेश्वर के बहुत सारे प्लेसेस को मैंने एक्सप्लोर किया है, उसका भी डॉक्यूमेंट्री है एंड जो भी ब्लॉग्स वगैरह है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी सारे आप वीडियो देख सकते हैं बालेश्वर के। मैंने बालेश्वर के बहुत सारे प्लेसेस छोड़ दिए हैं, साथ ही साथ बालेश्वर में और भी बहुत सारे एंड साथ ही साथ बालेश्वर में बहुत सारे खाने की चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट फूड पॉइंट्स हैं कवर नहीं किया है। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि और क्या क्या चीज़ें हैं बालेश्वर में एक्सप्लोर करने के लिए, चाहे वो स्ट्रीट हो, प्लेस हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बालेश्वर की जो मुझे डेफिनेटली कवर करना चाहिए था लेकिन मैंने छोड़ दिया। जब भी लॉकडाउन खुलता है मैं आपको कमिट करता हूँ मैं बालेश्वर फिर से आऊँगा एंड आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। जितने भी प्लेसेस मैंने इस ट्रिप में कवर नहीं किया वो सारे प्लेसेस कवर करूँगा एंड ये थोड़ा ट्रिप लंबा रहने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मैं आप पूरा भारतवर्ष, भारत ही क्या विश्व के लगभग आधे से ज़्यादा शहर लॉकडाउन की वजह से बंद है। आप मैं सब घर पर बैठे हुए हैं। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो जानते हैं कि मैं इंडिया के डिफरेंट प्लेस घूमता हूँ, वहाँ मैं अच्छे अच्छी चीज़ें कैप्चर करता हूँ, और चाहे वो प्लेस हो गया, फूड हो गया, कल्चर हो गया, इंडिया के डिफरेंट जगह भी, वो सारे मैं अपने कैमरा में कैद करता हूँ। फिर पोस्ट प्रोडक्शन के बाद आपको चाहे डॉक्यूमेंट्री हो या फिर ब्लॉग हो या फिर शॉर्ट वीडियो हो, वो आपके लिए लेके आता हूँ। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है। जो भी मेरे पुराने ट्रैवल के एक्सपीरियंस है, जो भी पुराने ट्रैवल के मेमोरीज है, वो सारे चीज़ें मैं निकाल कर उसके ऊपर स्क्रिप्ट बनाकर वॉइस ओवर कर उसको एडिट करके आप लोगों के लिए रेडी कर रहा हूँ। क्योंकि यार यूट्यूब पे अगर कुछ नहीं डालता तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों। एंड ऐसा फील होता है कि मेरा दिन खराब गया अगर मैं यूट्यूब पे कुछ नहीं डालता हूँ, या फिर यूट्यूब के लिए दिन भर के काम से कुछ काम निकाल के अगर काम नहीं करता हूँ, चाहे वो एडिट हो, स्क्रिप्टिंग हो, वॉइस ओवर हो या फिर कुछ भी आइडिया वगैरह हो। सो ये सारे चीज़ें हैं एंड मैं ये भी कमिट करता हूँ कि डेफिनेटली जब भी लॉकडाउन खुलेगा इंडिया को एक्सप्लोर करके आप लोगों के लिए कंटेंट लाता रहूँगा। एंड थोड़ा प्यार दिखाए इस वीडियो को, 19,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं चैनल के एंड बहुत ही जल्द 20,000 भी होने वाला है। सो समलव थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डेफिनेटली बहुत ही जल्द और एक एपिसोड आएगा इसका, पार्ट 3 एपिसोड थे एंड आई थिंक वो लास्ट पार्ट होने वाला है। और भी 2-3 वीडियो आने वाले हैं बालेश्वर से, सो वो सारे वीडियोस देखिए एंड बालेश्वर के जितने भी ग्रुप से या व्हाट्सअप में ये सारे वीडियोस फैला दीजिए। आई नो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा इधर उधर है क्योंकि ये पुराने वीडियोस है, जैसे कि मैंने बताया दिसंबर 2019 का वीडियो, तो 6 महीने पहले इतने अच्छे गैजेट नहीं थे मेरे पास। सो एंड कहीं कहीं पर लाइट का भी इशू है, सो इस सारे चीज़ों को थोड़ा नज़रअंदाज करके वीडियो के कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, वीडियो कैसा बनाया गया है एंड फीलिंग्स समझिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इस लॉकडाउन में घर पर रहिए, सेफ रहिए, फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। बाय बाय।